हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आप अपने मोबाइल फोन से एक अच्छा सा गेमिंग चैनल बैनर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एडिटिंग के साथ। हर कोई बना सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कैसे आपको गेमिंग चैनल बैनर बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप ये सब करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, चैनल बैनर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम पिक्सल लैब एप्लीकेशन है। इसको आप बहुत इजीली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले हमें बैनर के लिए एक साइज सेलेक्ट करना होगा। साइज सेलेक्ट करने के लिए आपको टॉप राइट में 3 डॉट का एक निशान दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज कर लेना है यूट्यूब चैनल बैनर, फिर आपको डन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो न्यू टैग दिख रहा है आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट में आपको डिलीट का एक बटन दिखेगा, जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे बैनर के लिए एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड में अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हो या फिर आप कोई बैकग्राउंड को डाउनलोड करके रखे हो, अगर आप डाउनलोड करके रखे हो तो डायरेक्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर जो भी डाउनलोड किए हो यहाँ पर ले सकते हो, या फिर अगर आप कोई कलर को यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसा कलर रखना चाहते हो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद रख सकते हो, या फिर आप ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड में एक साथ दो कलर को भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं एक कलर को यूज़ करने वाला हूँ तो मैं कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्लू कलर को यूज़ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को डाउनलोड करके रखा है, एक बैकग्राउंड इमेजेस को डाउनलोड करके रखा है, तो इसके लिए मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ जो कि आपको टॉप में मिडिल में दिख रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस इमेजेस को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर यह सेलेक्ट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा, जो भी PNG फोटो वगैरह यूज़ करूँगा, सबका सब मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप भी यूज़ कर सकते हो, सबका सब कॉपीराइट फ्री होगा। तो मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिलेटिव साइज का, जस्ट आपको रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके विथ को आपको कर देना है 100 करने के बाद इसको डन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपने जो भी इमेजेस को सिलेक्ट किया आपको एक बार इस पर फिंगर क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपेसिटी का, जस्ट आपको ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके ओपेसिटी को बिल्कुल आपको कर देना है 7 या 8, 9 पे लाके आप छोड़ दो। ये इसको मैं 7 पे कर लेता हूँ। 7 पे करने के बाद डन कर लेता हूँ। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको लॉक कर देना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी जगह से हिलेगा नहीं। फिर आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। YouTube चैनल बैनर बनाने के लिए एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, बिना टेम्पलेट के आप बैनर नहीं बना सकते हो। तो फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैनर टेम्पलेट सेलेक्ट हो चुका है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको आपको कैसे एडजस्ट करना है वो आप अच्छे से देखो। यहाँ पे मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद आपको इसको बिल्कुल भी फिंगर से मैनेज नहीं करना है, फिंगर से एडजस्ट नहीं करना है। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, रिलेटिव साइज का ऑप्शन दिखेगा। रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विथ को आपको 100 कर देना है। अगर आप इसको टच वगैरह कर लेते हो, अगर आपसे हिल वगैरह जाता है तो आपके चैनल पे सही तरीके से एडजस्ट नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं सही तरीके से नहीं हो रहा है, कट वगैरह हो गया, तो इसी के कारण नहीं होता है। आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको फटाफट लॉक कर देना है। तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब इस पर आपको बैनर बनाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हो ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस पर एडिटिंग वगैरह करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा। तो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ और एक बार इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे की तरफ आता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कलर का एक ऑप्शन है, मैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे अगर मैं एडिटिंग करूँगा तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर दिखने वाला है। अब मैं डन करता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे मैं एडिटिंग में जो कुछ भी यूज़ करूँगा सबका सब आपको मिलेगा, सबका सब कॉपीराइट फ्री होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। तो फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से डन करता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप भी इसको इस तरीके से कर लेना। और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, बिल्कुल पतला सा कर लेता हूँ और करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे अपने चैनल के लोगो को ऐड करते हैं। चैनल को लोगो ऐड करने के लिए फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चैनल के लोगो को मैं ऐड कर लेता हूँ।
तो ये रहा मेरे चैनल का लोगो, मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो, आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना। यहाँ पे फ्रेंड आपको दो लाइन दिख रहा होगा, ये दो लाइन है। आपको अगर इस दो लाइन के बीच में अगर आप बैनर बनाते हो तो आपके मोबाइल फोन के अंदर दिखने वाला है। अगर आप इस पूरे में बनाते हो तो ये आपको डेस्कटॉप साइट के अंदर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो मैं कुछ इस तरीके से बना लूँ जो आपके फोन में भी काफ़ी अच्छा दिखे, साथ ही आपके सिस्टम वगैरह में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे लोगो एडजस्ट हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे वाइट हो चुका है, मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइडो का, साइडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं इसका कलर को कर लेता हूँ येलो कलर। येलो कलर करने के बाद मैं डन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी खतरनाक आप देखने में आपका चैनल लोगो लग रहा है। तो मैं इसको भी आप फटाफट लॉक कर लेता हूँ, इसका भी काम हो चुका है तो मैं इसको भी लॉक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम ऐड कर देना है, आपके चैनल का नेम जो भी होगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके जो भी चैनल का नेम होगा आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे चैनल का नेम आ चुका है, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर इसके फॉन्ट वगैरह को आप चेंज करना चाहते हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉन्ट का ऑप्शन, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जैसा भी फॉन्ट रखना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बहुत सा आपको मिल जाता है। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करके डन कर लेता हूँ। अगर आपके इसको कलर वगैरह को चेंज करना है तो ये सिलेक्ट है ही, आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आप कैसा कलर रखना चाहते हो। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 777 को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, वाई नॉट इसको मैं कर लेता हूँ येलो कलर, और 777 इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर रहा हूँ, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है, मैं इसके कलर को अब चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और कलर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसके कलर को येलो कलर करके यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद ये सिलेक्ट है ही, आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टू बैक का, जस्ट मैं टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये परफेक्ट हो चुका है। फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कलर को यहाँ पे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक और इमेज को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, तो मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पे मैं एक इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद डन कर लेता हूँ। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको लाके एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। इसमें आप कुछ और मॉडिफाई करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, बस आपको एक आइडिया मिल गया। अब यहाँ पे मैं सोशल मीडिया वगैरह का, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का लोगो ऐड करना चाहता हूँ और वहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, ये एडजस्ट हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनेबल करना है और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको एक काम और करना है, फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ और भी मैं ऐड करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ पे डन कर लेता हूँ। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल देख सकते हो येलो पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। ये हो चुका है मेरा काम। अब यहाँ पे आपको एक और काम करना है, साइडो वगैरह देना है हमें। तो फिर से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे करता हूँ और मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक साइडो मिल जाएगा, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका सब मिल जाएगा। और इसको कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लेकर आना है बैनर में और अपने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। बैनर पर ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आपका बैनर फाइनली बनके रेडी हो चुका है। अब आपको इसको अपने गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सिंपली आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और PNG फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।